और अब रुख करते हैं आज की उस बड़ी खबर का जिस पर पूरे देश की निगाहें होंगी, हाथरस कांड। दोपहर बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है। हाथरस पीड़िता का परिवार सुनवाई में शामिल होने के लिए लखनऊ रवाना हो चुका है और रास्ते पर है, किसी भी वक्त लखनऊ पहुंचेगा। कड़ी सुरक्षा के बीच परिवार को ले जाया जा रहा है जिसमें आला अधिकारी भी मौजूद हैं। हाथरस की लड़ाई हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट में परिवार की पेशी, बंद कमरे में होगा बयान। पीड़ित परिवार को आज कोर्ट से मिलेगा इंसाफ। पुलिस एक्शन पर सवाल, आला अधिकारी तलब। हाथरस की लड़ाई अब हाई कोर्ट तक आ पहुंची है। आज दोपहर बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट में बयान देने के लिए आज सुबह सुबह परिवार घर से लखनऊ के लिए निकला। परिवार को कड़ी सुरक्षा मिली है। मैजिस्ट्रेट खुद परिवार को लेकर लखनऊ निकले। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई है। लखनऊ बेंच की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया था और इस पूरे मामले में सुनवाई को लेकर के परिवार के जो पांचों सदस्य हैं, आप देख रहे हैं कि यहां पर जो पीड़ित परिवार में उनकी मां, उनकी भाभी, दोनों भाई, इसके अलावा पिता, पांच लोगों को यहां से ले जाया जा रहा है। पूरा बाकायदे पुलिस सुरक्षा में यहां से ले जाया जा रहा है। पुलिस की छह गाड़ियां इसमें लगाई गई हैं, एस्कॉर्ट गाड़ी है, इसके अलावा छह गाड़ियां यहां पर लगाई गई हैं। पीड़ित परिवार के पांच सदस्य बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट जा रहे हैं जिनमें पीड़िता की मां, पीड़िता के पिता, दोनों भाई और भाभी शामिल हैं। परिवार के साथ छह गाड़ियों का काफिला है। एसडीएम अंजलि गंगवार और सीओ भी साथ में लखनऊ जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पीड़ित परिवार की जो गाड़ी जा रही है, यही जो छह गाड़ियां हैं जिनमें सुरक्षा के लोग भी हैं, एसडीएम भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं और पुलिस के लोग हैं, वो अब लखनऊ के सीधे कोर्ट में पहुंचेंगे। और पीड़ित परिवार को रात में ही लखनऊ ले जाने का प्रोग्राम था लेकिन परिवार ने रात में जाने से इनकार कर दिया। पहले भी परिवार हाईकोर्ट में पेशी पर सुरक्षा का डर दिखा चुका है। आज आप सभी लोग, शासन के लोग भी आ गए हैं, लखनऊ जा रहे हो हाईकोर्ट, तो कुछ तैयारी है आप लोगों की? कोर्ट जा रहे हो तो कोर्ट में अपनी बात कैसे रखेंगे? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर को हाथरस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने पूरे अमले को तलब किया है। इनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अलावा हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार और एसपी रहे विक्रांत वीर भी शामिल हैं। करीब एक महीने पहले हुए हाथरस कांड पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक शोर है। पुलिस या कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। योगी सरकार घेरे में है। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है तो बदलते बयानों पर भी शक की सुई लटक रही है। मामले में जाति एंगल भी जुड़ गया है। आरोपी पक्ष भी अलग ही थ्योरी का राग अलाप रहा है। अब मामला हाई कोर्ट में है तो इंसाफ की आस हर किसी को है। हाथरस से राजेश सिंगल, शिवेंद्र श्रीवास्तव और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।